गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू मैथ। बेटा आज हम मैथ में टॉपिक है आपका डेसिमल, ठीक है। आज हम डेसिमल पढ़ेंगे। डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। दशमलव में के प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं आज हम इसमें सीखेंगे। यहां देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.56 प्लस 0.07। इसको प्लस करना है, कैसे करते हैं यहां देखेंगे कि इधर जो हमारा आपका पॉइंट लगा हुआ है वो टू डिजिट बाद है, और इधर भी देखा हमने टू डिजिट बाद यहां भी पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो वन प्लेस इधर से देखेंगे वन प्लेस है, और इसका वो जो वन प्लेस है इन दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस सिक्स को इस सेवन में प्लस करना है, तो सिक्स को सेवन में प्लस करेंगे। सिक्स और सेवन बेटा होता है 13। कितना होता है? 13 होता है, और 13 का यहां पर आप लिखेंगे 3, ठीक है। वन इसके ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 5 और 0 को प्लस करना है, तो 5 और 0 होता है 5, लेकिन इसमें जो इसका कैरी आया था 1, इसको हम प्लस करेंगे तो 5 और 1 होता है 6। वो 6 को आप इधर लिख देंगे। उसके बाद आप क्या क्या लगा हुआ है, पॉइंट है, तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे। आपके पास कोई कैरी नहीं है, आगे लिखा हुआ है आपका 0, और 0 को प्लस करते हैं तो क्या आता है बेटा यहां पे 0। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 0.22 प्लस 0.044। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 डिजिट बाद पॉइंट है, लेकिन यहां पर 2 डिजिट बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि सेम करना है हमें पॉइंट को, तो हम यहां पर अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 0 लगा देते हैं, उसको कोई गिनती नहीं होती है। तो यहां पर हम पॉइंट के बाद यहां पर इधर 0 लगाएंगे, तो इधर भी आपके 3 डिजिट हो जाएंगे और इधर भी आपके 3 डिजिट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम इस 0 को इस 4 में प्लस करेंगे, तो 0 और 4 4 होता है, 2 4 6 होता है, उसके बाद फिर से 2 है, 2 0 2 होता है, उसके बाद आपका पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे और 0 का 0 नोट कर देंगे। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है आपका 5.36 प्लस 2.64। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 5.36 प्लस 2.64, इसको हमें प्लस करना है, तो इस 6 को इस 4 में प्लस करेंगे। 6 और 4 होता है बेटा 10। कितना होता है? 10, और 10 का यहां पे क्या आ जाएगा आपका 0। 1 कैरी इसके ऊपर चला जाएगा, 3 और 1 4 होता है, 4 और 6 को प्लस करते हैं तो 10 होता है, 10 का फिर से 0 आ जाएगा यहां पर। 1 कैरी इस 5 के ऊपर चला जाएगा, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना होता है 8। अब हमने देखा था कि यहां पर पॉइंट 2 डिजिट बाद था, यहां भी 2 डिजिट बाद था, तो आप इधर से 1 2 डिजिट बाद यहां पर आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 8.00। फोर्थ क्वेश्चन है आपका माइनस। यहां पे साइन माइनस का लगा हुआ है, मतलब 9.05 में से 4.12 को माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट से इधर जो संख्या लिखी हुई है 9, इसमें से हम इधर कैरी लेके जाएंगे एक, तो यहां पर कैरी लेके जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 9। अब यहां पे कितना रह गया आपका 8, 1 कैरी इधर चला जाएगा तो 8 रह जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा बेटा 4, और आपकी 2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो इधर से 1 2 2 डिजिट बाद यहां पर पॉइंट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4.93। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 11.50 में से 8.25 को माइनस करना है, तो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो इस 5 में से इधर कैरी लेंगे 1, 10 होता है, 10 में से 5 माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका 5, यहां रह जाता है आपका 2, 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है पॉइंट लगाएंगे। अब यहां पे रह गया आपका 11, 11 में से 8 माइनस करते हैं तो आता है बेटा आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई में पॉइंट प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट प्लस किए जाते हैं। यहां पर देख रहे हैं इसमें कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर संख्या लिखी हुई है आपकी 5 इंटू 1.2, मतलब 5 में 1.2 का मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं हम इस 5 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 5 2 जा 10, 10 का 0 आएगा, 1 कैरी इस 1 के ऊपर चला जाएगा, 5 बन जा 5, और 1 होता है आपका 6,
पॉइंट वन डिजिट बाद था, आप पॉइंट वन डिजिट बाद लगा देंगे, आंसर होगा आपका 6.0। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2.5 इंटू 0.5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी पॉइंट है और यहां भी पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। इधर आप देख रहे हैं 0 पॉइंट लिखा हुआ है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हम देखेंगे। यहां पर हमारे पास है संख्या 5 का मल्टीप्लाई सभी को आता है, 5 का टेबल आता है, 5 जा होता है 25 का 5 आएगा, 2 कैरीज 2 के ऊपर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 जा 10 में 2 प्लस करते हैं तो आता है आपका 12। अब यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां भी वन डिजिट बाद पॉइंट था और यहां भी वन डिजिट बाद पॉइंट था, तो हमने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई में पॉइंट प्लस हो जाते हैं, तो वन डिजिट यहां और वन डिजिट ये, तो आपकी होगी 2 डिजिट। तो यहां से आप 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपका पॉइंट आएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका 1.25। ऐसे ही बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि 5.05 प्लस 2.32, ठीक है, इनको आपको प्लस करना है, 10.12 में से माइनस करना है आपको 5.05 को, 4.5 में मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, ऐसे ही 0.12 इंटू 0.6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 3.008 प्लस 4.122, इसको आपको प्लस करना है। ये आपके होमवर्क में है बेटा, आपको करके लेके आना है। थैंक यू।